वो भी कर सकते हैं, डिफरेंस करके हम करेंगे कि भाई इनका डिफरेंस आया वो इसका कितना परसेंट है, जैसे 73-43 कर दिया माइनस 30 आ गया, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कॉन्सेप्ट को कैसे समझ रहे हो, ये देख के आप कर सकते हो। ग्राफ को देखना, एक वैल्यू 43 है दूसरी 86 है, डबल हो गए और किसी पे डबल नहीं हुआ तो हमारा आंसर होगा। इन केस ऐसा सिचुएशन किसी और एक ऑप्शन में भी होता फिर हम उन दोनों को प्रॉपर सॉल्व करके चेक करते हैं। कहां पे आ रहा है इसमें, इसमें कितना आ रहा है 30/4। ओके अच्छा नहीं वो आप गड़बड़ क्या कर रहे हैं, इस डिफरेंस को तो 30 ले आया, करना क्या है ये समझ आ गया तो ठीक है, कैलकुलेशन इज ऑन योर पार्ट, आप कैसे करते हो उस कैलकुलेशन पे ये आपके डिपेंड करेगा, स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ उत्तर प्रदेश डिवाइडेड बाय टोटल, वैल्यू ऑफ उत्तर प्रदेश डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 चल रहा है दोनों में, कैलकुलेशन आपको करनी है जिस तरीके से आपको ठीक लगेगा वैसे आप करेंगे। अगर आ गया तो क्वेश्चन नंबर 12 से 15 करेंगे, 11 नहीं करना है, उसकी लैंग्वेज करेक्ट नहीं है, तो 11th क्वेश्चन की लैंग्वेज पे में इशू है इसलिए उसको हमें नहीं सॉल्व करना, आप 12 से 15 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 टू 15